नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग मीडिया एंड टेक में। तो आज हम आपके लिए एक जानकारी लेकर आए हुए हैं मेंथा से जुड़ी हुई, जो मेंथा में सिंचाई की जाती है उससे जुड़ी हुई। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आपको बताते हैं कि इस समय जो बाराबंकी में मेंथा की फसल चल रही है, उसमें ज़्यादातर फसल लेट है। आलू के लेट होने की वजह से मेंथा भी लेट है। तो मेंथा में एक दिक्कत इस समय आ रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से इस समय पानी जो लगाते हैं लोग, सिंचाई करते हैं, वो पानी अगर भरा रह गया तो गर्म हो जाता है। और ज़्यादा गर्म होने से आपको इसका साइड इफ़ेक्ट हम दिखाते हैं। ये देखिए, पेड़ मुरझा गए हैं, ये आप देख सकते हैं, पेड़ सब ये इसी तरह झुक गए हैं, ये पानी ज़्यादा होने की वजह से है। तो आपको बता दें कि आप लोग, ये नाले विधि में पानी अक्सर ज़्यादा हो ही जाता है, क्योंकि ये गहरे होते हैं और इनमें आसानी से पानी चला जाता है, तब ज़्यादा हो जाता है। और जो ऊंचा खाली खेत हैं और क्यारी पे लगता है, उसमें भी ज़्यादा हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको बहुत हल्का पानी लगाना है, और हो सके अगर आपका कम खेत है तो आप सुबह के टाइम पानी ना लगाएं, आप पानी लगाइए दोपहर के बाद। तो रात भर का समय मिल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत पानी भरा भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सूख जाएगा, रात भर में ज़मीन के अंदर चला जाएगा, सिर्फ नमी बचेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप धूप वाला पानी देखिए तो वो एकदम जलजला हो जाता है, बिल्कुल उबलता हुआ पानी, इतना गर्म हो जाता है कि कोई आदमी उसमें पैर नहीं रख सकता। तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या हाल होगा। तो ये सूख रही है, बहुत से अब की बार बहुत ज़्यादा केस ऐसे हुए हैं जिनमें ये दिक्कत आई है, क्योंकि इस समय ये देखिए इसमें खरपतवार भी है, तो लोग निराई कर देते हैं। निराई करने की वजह से जो छोटी मेंथा होती है, जैसे ये पौधा आपको छोटा वाला दिख रहा है, तो इसकी जड़ें इतनी विकसित नहीं हैं, तो इस वजह से इसकी जड़ें, मान लिया इसके साइड से आपने काट दिया, तो जो मोटी वाली जड़ें होती हैं वो अगर कट गई तो भी ये बाकी जो नई जड़ें निकली होती हैं तुरंत की, उन जड़ों में इतनी क्षमता नहीं होती है कि इतना गर्म पानी बर्दाश्त कर सकें, तो वो भी सूख जाती हैं इस वजह से भी। तो आपको ध्यान रखना है, पानी भरने ना पाए मेंथा में, चाहे ये विधि हो चाहे जो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।